ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆਦੀ ਆ ਬੀਬੀ। ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਟੱਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਓ। पैसे मुक्ते नहीं गए वीरा, तू रो क्यों लगते हैं? मेरी जरूरत है ना पैसे तो बहुत वर्दे पैन तो मुझे इसलिए लगती कि मैं खैरात लेने ली नहीं उधार लेने ली आया। ऐसे उधार मिले या खैरात वापस कभी नहीं लिता जाता। तू दस तेन किन्ने पैसे चाहिए ने? मेरी मासूम थी चौधरी सरदार कुल गिरवी है बहना, मैं अपनी इज्जत वापस लेने लिए कुछ कर चाहिए। तेन कर जरूर मिलेगा। अपनी जरूरत न देख, साडा ज़र्फ़ देख। अपनी इज्जत दे नाल नाल साडी आन भी देख। तय सोच के पैसे मंग, कैथे बत्ती दंदा विचों जो कुछ भी मंगया जावे हर कीमत ते मिलता है। मेरी ती 10,000 रुपए विच गिरवी है चौधरी साहब। साबरा बेटी जी, इनू 20,000 रुपए लिया दे। 10,000 रुपए कर्जे ले, 10,000 रुपए साडे वालों उस लड़की के दहेज ली। अच्छा चाचा जी, वाकई जो सुनिया सी उस तो बद पाया चौधरी साहब। जिथे इना कुछ दे रहे हो उथे एक दुआ भी कर दियो कि रब मनु इस एहसान का भार लाण की तौफीक दे। साडा एहसान लाण की बजाय तैनू रब तौफीक देवे कि किसी होर ते एहसान कर देवे। एहसान लाण का इस तो अच्छा होर कोई तरीका नहीं। ऐ वीरा, जिस तरह से पैसे दे के भुल जान आती हैं तू भी भुल जाई। लेते हुए पैसे तो भुल सकना पर तुहानू कभी नहीं भुल सकता, कभी भी नहीं भुल सकता चौधरी साहब। रब राखा, रब किसी को मजबूर भी ना करे। तेरा जुर्म सुन के सानू इन्ना दुख नहीं होया नजरों, जिन्नी तेरी जुरत वेख के सानू हैरानी होई है। सानू ए लगता है कि जुर्म दी ए शाख जड़ी असी अपने सामने देख रहे हैं एदिया जड़ा किसे होर पिंड ने। जे समझ गया है ते फिर भी सुन ले, जिस बैठक नु तेरे पुत्र ने ताला लाया इस दिन उस बैठक इन पुत्रों का प्यो ही खोलेगा। पुत्रो असी समझते सा तू अपनी सफाई देवेगा, पर इंज लगता है या तेनू सच की ताकत का अंदाजा नहीं, या तेरे भेड़े साथियों ने तेनू किसे भुल विच पा दिता है। फैसला जो मर्जी कर ला जागीरदारा, पर एक गल याद रखे, हुण जद भी तू ते मैं अपने सामने होवांगे तो मेरे सामने इन्ना उच्चा नहीं होवेगा ते मैं तेरे सामने इन्ना बेबस नहीं होवांगा। ये धमकी सानू हर मुजरिम ने दिती है नजरू। असी पावे नीवे हो जाइए पर जिस सच दे असी पहरेदार हाँ उदा सिर सदा उच्चा रहेगा। तेरी बैठक का बुआ मेरे पुत्रा ने बंद किया है, ते अपनी जागीर का बुआ तेरे लिए मैं हमेशा लिए बंद करना। एदी बैठक की चाबी एदी जेब छिपा के एनू धिक्के मार मार के जागीर दी हद चों बाहर सुटा। वेखने आ केड़ा बदबख्त अपनी मौत का सामान लेके
इनू वापस ले आऊंगा। ले जाओ इनू। अगे लगा। जिस कतल गाय किधर शेर दे गल पै जाए चूचा इल्लू चुक लवे ते चिड़ी बांस दा शिकार करे उत्थे मेरा यार होके नीवी पाके मेरे सामने आवे ए ते उदो नहीं होना जदों कयामत दी नौ बजनी है। बोल बोल तेरी जान ते किधर गोदा थी जिदे पार ने तेनु मेरे सामने सिर नहीं चुकन दिता। आज तो पहले मैं भी यो इस समय दसा हाको जिदे मोटे ते तेरा हाथ होवे ओदा एक पैर जमीन ते दूजा आसमान ते होंदा है पर जदों दिलावर दे पुत्तर ने मेनू ठट्टे मार मार के मुंह पार सुट्टे है ते मेनू यकीन हो गया कि दिलावर दे इंसाफ तो थम तू भी नहीं देख सकता। ओए नजरिया जिस तरफ की चोटी दे बंदा चढ़ ना सकता होवे उन्हू चढ़ पुर दी दा दस होए दिलावर खां दे पिंड दा सब तो वड्डा असूल की है। ऐ फड़े ऐ उस बैठक दी चाबी हो जेड़ी मैं तेरे भरा दी शह ते खोली सी जे उन्हू तू खोल लवे ते समझ लवे उस पिंड दे असूल टुट जाणगे। नहीं 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 उन्हें मेरे यार नू अपनी जगह चो बेइज्जत करके कटिया है। जाओ शेरिया ते ओदी जगीर दी इज्जत जुए दी दरी ते रख के ले। जगीर दे सूल टुटन लग पे ने लगता है जगीर दा मालक मर गया है। जे नहीं मरिया ते मार देंगे। होश कर वे पिंड दिया गैरतां नूं एडियां पैड़ियां नजरां नाल ना वेख नहीं ते अन्ना हो जाएगा। ओए अखां रब ने वेखण लई दित्तियां ने कढ के जेब च कीवे पालवा। ओए तुसी ओए अखां ते एक पासे जुस्से चो जान भी कढ लांगे। ओए जे कम दुश्मना वाला कीता ही ते सवाल भी दुश्मन बन के कर। ए दुश्मनी हुणे दोस्ती च भी बदल सकदी है। शर्त इक्को है कि साडे बंदे दी जुए दी दरी चुक के अपने प्यो दी हवेली च लै चलो। ओए उस हवेली च तेरी गुस्ताख जुबान ते तेरियां ए बेगैरत बावां भी जानियां ने शेरू तो कोड़े तो पैर से पिंड च बड़े हैं ते ये शरफ सिर्फ इस पिंड दे जवाई नू मिलता है। ओ जवाई बनना केड़ा औखा काम है कुड़ी पाव पार के अगे लाई तो जवाई बन जांगे। इस जागीर विच हर बेगैरत दा हाफ टूटे है शेरू तेरा भी टूटेगा। ओए अज मैं तानू नहीं छड़ांगा। जे पिंडे दियां दर्दां कब्र तक रहन ते अपनी नस्ल नू वसीयत करदा जाई कोई बेगैरत इस जागीर च पैर ना पाए जाए दफा हो जाए तू। आ भैणा आको मैं गलत नहीं सीखिया दिलावर खान दे इंसाफ दियो थम तू भी नहीं दे सकता। बोल बोल ओए
तेनू सारे पिंड ने रल के मारिया है, घोड़े तो डिग पे या वाकई उन्हें थमा नाल टकरा के डिग गए। दिलावर खां दे मरन दी कोई मन्नत मान ले लाला, मैदान चो नहीं मरता। शेरू दस ओए, ओ केड़ी कुड़ी सी जिदे बदले दिलावर खान दे पुत्रा तेरी तौदा सरिया कर दिता है। मैं ओनू चुक के ले आवांगा। पिंड दी सब तो गरीब ते कली कुड़ी दा नाम रजिया लाला, पर ओदी चंज दी रोटी दिलावर खां दी हवेली च पकेगी ते डोली ओदे पुत्रां दे मुंडियां ते पिंडों बाहर जाएगी। पिंडों बाहर जाएगी ते फिर मैं इस चंज लई एहो जिहा काला तूफान बनांगा जिसे जांजी टोली नूं ते टोली आली जांजियां नूं लभदी रह जाएगी। जहेज विच किसे शह की कमी रह गई है। Thank you.
ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ? ਤੇਰੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਡੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੇਲ ਛੇਤੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀਏ, ਤੂੰ ਜਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਜਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਤੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਆਖੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਡੋਲੀ ਰਾਂਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਡੋਲੀ ਇੱਥੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੇ। ਜਗੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਿਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਓਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਮਨੂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਨੂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪੋਤਰ ਹੈ ਹਾਕੂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਸਰੂ, ਨਹੀਂ। ਅੜੀਅਲ ਕੋੜਾ ਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਗਲ ਚ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਕੂ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੈਮਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੱਸਾਗੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੋ, ਇਸ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਤਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਡੇਕ ਸਕਦਾ ਕੈਮਦੀਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੀਲ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਕੱਛ ਚ ਖਲੋਤਾ ਛੋਟਾ ਕੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਚੱਥਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੈਮਦੀਨਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਸੁੱਟਣ ਆਇਆ। ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਰ ਔਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੈਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸਲੀ ਲੋਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
जिस थम से पई छत डोल नहीं पै सकती फिर अज ही मैं दिलावर खान की छत पै जाऊंगा। माफ करना चौधरी जी, तुहाडे सौरन सजाए मौत हो गई। दरअसल जज साहब ने तस्लीम नहीं किया कि उन्हें कतल अपनी जान बचाने लिए किया। मेरी दुआओं में कमी रह गई है वकील साहब, शायद ताड़ियां दलीलें कमजोर सन। मेरा ईमान है कि वो बरी जरूर होगा, पर ये हाई कोर्ट अपील करने लिए बहुत लंबी चौड़ी रकम की जरूरत है। वो मैं अपने आप में वेच के भी ले आवांगी वकील साहब, हाल ही मेरे को हवेली मौजूद है। तैनू हैरान है, असले नहीं होना चाहिए चौधरानी है कि हवेली साढ़े को गिरवी है, ते जेड़े पैसे दे सकता सी ओनू सजाए मौत हो चुकी है। बेखाली ते फैसला होया, फैसले ते अमल नहीं होया। चढ़ा तुसी साड़ी हवेली विच आ बैठे हो दुश्मनों। तेरे पैसे मुक गए ने, तेरे वकीलां दियां दलीलां भी मुक गईयां ने, हुण किसां ते सौरे दे साह बचाण दा सोच रही है चौधरानी है। वे तेरे कोलो कर्जा लिया हवेली दी कीमत नहीं लई, तू पैसे दे जा, मैं रेम दी अपील तक मुकदमा लड़ांगी। चौधरानी, तू सारी दुनिया की दौलत भी खर्च करे तो दिलावर खान की मौत नहीं टल सकती। यह सोचना तेरा काम नहीं, तू गिरवी नामे तो मेरा एक अंगूठा हो लवा लिया तो पैसे मैं दे दे। चौधरानी, तेरी हवेली इन्नी कीमती नहीं कि तेनू मुंह मंगे पैसे दिते जान, ना ही हूं तेरे कोई यह चीज है जो गिरवी रखे जाए। जा जाके भीख मंग या ज़कात कमेटी जो खैरात मंग। पुत्र तो वड्डी दौलत ते इस धरती ते रब ने भी पैदा नहीं की थी, तू मैं पैसे दे दे, मैं पुत्र गिरवी रख चली है। सानू मंजूर है शेरू, इन्हें अपना खानदान बदल दिता है, असी दा खून बदल देंगे। माफ कर मां सदके, कदी कदी सिर से आई बलान टालन की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। रब ने चाहा तो मैं दिन रात मेहनत करके तेन वापस ले जावांगी। साहब जी तेन मुबारक होवे, तेरी सजाए मौत उम्र कैद विच बदल गई है। अच्छा साहब जी, उम्र कैद विच बदल गई है। आहो, तेरी दुआओं में बड़ा असर सी, तेरी इस सजा नु माफ कराने का सिर तेरी नूह ने सिर ते। जेलर साहब के कमरे च बैठी तो जा मुलाकात कर ले। शुक्र करती है, अगले जहान की सजा इतने ही भुगत चले। जुर्म मैंने ही दस चाचा, जिदी एडी खौफ सजा है, हर एक दे दुख मोडा देने वाला अच कला क्यों खलोता है, हर गरीब नू कुफ अंधेरे विच रात देने वाले दिन अज दस दस दिया ठोकर क्यों खा रही है। तेरे कोल कभी ना मुकण वाली जागीर है,
तू दर दर की ठोकर किवें खा सकनी। चाचा उस जागीर ते चौधरी नजरे ने झूठे कागज दिखा के कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेता है तेरा दुख तेरे तो ऐसे लुकाई रखिया कि तू मौत की सजा सिर चुक के सुन सके। जागीरदार हुकूमत ने उन्होंने कब्जा किवें दे दिता। मैं जदों भी कानून के दरवाजे से फरियाद लेके गई हाँ उन्होंने मैनू रहनामे ते सरकारी मोर वखा के वापस तोड़ दिता। मैनू पता है झूठा सी पर सरकारी मोर ते अपने आप नू कलिया वेख के मैं उस रहनामे नू अपने किसी जुर्म की सजा समझ के भूल गई हाँ। उन्हें तू भी भूल जा चाचा। एक दुख सुन के मैनु रब तो जरूर शिकायत हुई है साबरा पर कर इसलिए कुछ नहीं सकता कि मेरे सामने कानून दिया कंधा ते 20 साल की कैद है। कदी ना कदी तो मुक्की जाएगी चाचा जे तेरे पार अंत तक जूती रही तो फिर मैनु किसी हवेली किसी जागीर की लोड़ नहीं। तो फिर इंज कहो कि कैद मैनू नहीं तेनू हुई है। तू मेरे पोतरे ने क्यों नहीं लाई। चाचा वो तेरे केस का खर्चा पूरा कर ली उन्हें मैं चौधरी नजरे को सहन रख देता है। पर तू फिक्र न कर चाचा मैं दिन रात चौधरी नजरे की हवेली च मुशक्कत भी करनी है तेरे बाहर आन तक खबरे पिछड़े आया तो ना मिले पर जिन्हू रहन रखे उन जरूर परी करा लागी। मेरा मौला जितनी छेती हो सकता है मेरी कैद के 20 साल पूरे करके मेरे काले चिट्टे कर दे। कांदीरा की गल है आको या कांदीरा मैं बुढ़ा हो गया आको अपने सुल्तान नूं वेखेंगा ते सारे काले चिट्टे हो जाएंगे। तू मैं नहीं दस रहा पर तेरे आसे पासे ना तुआ है ना तूर दिस रही है। मेरा सुल्तान किसे पिंजरे च कैद है या काल कोठरी च बंद है। अगो जिथे पुलसा परेडा कर दी नजर आन समझ ले सुल्तान उथे गज रहा जे। जी सुल्तान अच्छा ए सुल्तान तू है भी तो दस है के जदों भी सुल्तान ते पुलिस दा आमना सामना होया पुलिस मुकाबला है कि नहीं। मैं हो जी गुस्ताख बान मुंह चो कट के मालखाने च लै जाना वा गुंडिया
मत्थे ते हाथ रख के सलाम कर ओए ओ मैं कोई ज़कात नहीं मंगी तेरे कोलो के तेनु सलाम करा इना बेगैरतां नु पिंड सिर सुट के टरन दा बल सिखाया सा बदर जे जुर्मे ते करी लाल है जे तेनु गुस्सा बहुत है ते हाथ नाल ले जा ए सातरे मत्थे ते नहीं उजाला हवालदार इना नु थाने ला चल ओके सर चल सोनो सुल्तान अदालत ने तेनू चौधरी नजर से पिंड इलाका बंद कर दिता जेदी दहशत एस जागीर तुसे हमेशा सदारम करती थी सामने मैदान लाल है जित जाएगा इसलिए कि जेड़ा तीर तू मेरे हाथ च फड़ाया सी वो कदी खता नहीं गया छेती दस है ओनो केहो जई पला बनाए ओए अपने दिमाग ते जोर पा ते सोच के तेरे इलाके सौ सौ को तक किसी दहशत सिर्फ दो जोड़े के खौफ तलब सारी सारी रात नहीं सौंदे एक खास कुर्सी जिदे जड़ा चेहरे च एक सुल्तान है ओ सुल्तान जेड़ा प्रस्तारिफ का पदमाश है साबित होया कि तू बेखबरा नहीं ओए ओए सुल्तान मेरा पुत्री की मतलब है कुदरत ने उन्हें तेरी अपा पड़ा के थे भेज दिता है तो कानून ने उन्हें तेरे इलाके इलाका पाबंद कर दिता है ते फेर उन्हें ना लेके आना सी किथे छड़ा है ओए बुए तक ते नाल ही आया सी अरे किथे रह गया है दुश्मनों दे सामने पिस्तौल लेके खलो जाए ते चौकी ची कब्रस्तान पड़ा देता है लांगा शेर बबरा लांगा ओए नजरा ओए साडे शेरे बबरदियां आणियां तकी ओए बसरा ए सवेली दे बूहे तोड़न दी की लोड़ सी ओए रब दा शुक्र अदा कर ओए तू सामने नहीं से नहीं ते तनु चीर के भी लंग जांदा बुरा ना मनाई ना ये स्थिति रात चलता है ना ही कोई सीधा काम करता है मेरी हवेली च भी परमानेंट राज लगा है एदे पार बंद करन ले और तेरी हवेली नु छेको छेक कर देंगा असि तेनु एक वखरी हवेली दे देने पुत्रा तू विशाखो दी छाती टेक छड नहीं ओए मैं जिथे खलो जावा उथे कंध बन जावा जे
चाचा मैनू इथे ले आया ते फिर अपना टप्पर तीर लेके इथों निकल जाओ, इसलिए कि मैं इलाका पाबंद नहीं होया, तुसी सारे मेरे पाबंद हो गए हो। अल्लाह खैर। हौसला रख नजरिया, हौसला रख, मैं आप इथों कई बारी बिज़त होया, कर भी की सकने हैं जी। जे तेरी मर्जी पुत्रा, ते बस मैं इथों जाने दी गल करो वे। ठहर जा पुटिया। ए कौन है? पुत्र ही समझ। इस तरह से बदकार भैणा अपने गैरतमंद भरावा करो और नहीं कर दिया जिस तरह तू इस बुढ़े को लटा रहे हैं। दस है बुढ़िया, वाकई तेरा पुत्र है। यही समझ तो फिर इतों लैके चार निकल करो। चल तेरे सदके जावा पीनो, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरी पीनो, मेरी जान पीनो। की गल है? ऐसा मुंह करे ना, तेरी खाद क्यों सुजी है? क्योंकि दार कढ़ाई पीनो, मुंह ते उच्चा कर, मेरे नाल अख ते मिला, मेरे को शर्मिंदा क्यों है? इधर से वेख, लख दी लानत, जे तू पीना तो फिर मेरा भी फिट है मुंह। मेरी सहेली भी नहीं बेचती। मेरी सहेली की इलेक्शन के लिए भी ऐसी बेचती नहीं करनी। बकवास ना कर, जे मेरे नाल रहना है तो तेनू ये नखरे बर्दाश्त करने पैणगे। बिल्कुल रहना जी, ये की ये माँ प्यो के नखरे अभी बर्दाश्त करा। मैं क्या तहू बारे च पता है और फीने के बारे चुस फर्क लगी भी यह कि नवी गल है। जब तक कुछ जीता है तीनों तो पुलिस वो पिछे रहेंगे। हूँ कि इलाके च पाबंद है? ओ केड़ा को काफी पहुंच जावांगी। अल्लाह खैर, इतने की लैन आई है? की रो पा रहे हैं? जे तू बदमाश है तो मैं आप 302 हाँ। तू कानून का पाबंद है तो असी तेरे प्यार दे पाबंद हाँ। जिथे तू रवेगा उथे मैं रवांगी। अल्लाह खैर, इस तरह पिछे पैण की वजह प्यार? प्यार ते फिर अल्लाह खैर, तो निकल जानी। Thank you.
चानी की है तेरा प्यार। ओए चल तफा हो जाए तो वे तू प्यार की जुबान कदों समझेगा? जदों बालक होएगा। बाकना है मेरा मतलब है कि जदों बंदे का पुत्र बनेगा। एनू बंदे का पुत्र ही बनाने तेरे पीछे आई हूं। अल्लाह खैर और नेकी दे दात ते सानू रब ने देनी बंद कर दीती है। तू साडे पीछे की लेना है? जा दौड़ तो तू भी इंसान बन बगानिया हवेलियां का मालिक बन जाना। खुदा का खौफ कर। ओए मैं मर भी गया इस हवेली के मालिक को अंदर नहीं आन देंगा। चाचा चाचा तीए मिया साला तो पोतरे दी राह वेख रहा सा। आज ते उन्हों अपने नाल ले आना सी। समझ ले चाचा तेरी सजा मुक गई है। नादर दी ते मेरी कैद हाली बाकी है। क्यों जी सजा है जेड़ी मुक्कन दी बजाय वद्दी जा रही है? एक क्यों जी पार है जिन्हों मां ते पुत्र रल के भी नहीं ला सके? चाचा फकत दी वाग जो सालम दे हाथ आ जाए ते फिर शरीफ खाली हाथ मलदे रह जांदे ने। चल खां उस जालिम कोलो इक्को वारी पूछ लूं आखिर उन्हें मेरे कोलो किस गल का बदला लेता है। नहीं चाचा तू उथे ना ही जाए ते बेहतर है। उन्हें तेरी जागीर चो तेरा नाम इस तरह मिटा दिता है जिन्हें रेत तो पैरों के निशान मिट जाते। सच दा रंग इन्ना फिक्का ते नहीं हुंदा साबरा। तू चल चल पुत्र। नजरिया तू
आहो बुढ़िया मैं वेखे वक्त ने तेनू किन्ना छोटा ते मैनू किन्ना वड्डा कर दिता है। आए बुढ़िया ओही पिंड है ना जिदी सब तो उच्ची जगह ते खलो के तू आख्या सी मेरे पिंड विच जुरम दी जानू पानी नहीं मिल सकता। मैं बुढ़ा ते बेबस जरूर होया वा पर मेरे उसूल ते ईमान अज भी उसे तरह जवान ने। ओए नसूल ने पहले सानू कटिया सी पर अज तेनू कटन गया। सोना बुढ़िया असी तेरे इंसाफ का इश्तिहार बन के निकले सा ते तू साडे इंतकाम दा निशान बन के निकलेगा। मेरे उत्ते अगे ही तुहाडे बेशुमार जुल्म ने जागीर ते नाजायज कब्जा मेरे पोतरे ते बेजा कर्जे दा पार ते मेरी नूह ते नस्ल ते नवे नवे जुल्म छुड़ा के मेरिया सुतिया रगा नूं ना जगाओ और नहीं ते पछताओगे। ओए गुस्सा ते गरूर किस गल ते कर रहे हैं उस मास्ते जिदी रग रग विच वट पै चुके ने या इस अपने पोते ते। जेड़ा मैं पैर चुका ते अपने पसीने च डुब जांदा इस नस्ल नू सिर नीवा करके जीवन दी आदत नहीं नजरिया ताना ऐ सोच के देई कि एक दिन जुल्म दी अखीर हुंदी ते मेरे पोथरे ने सिर चुक के मेरे कोलो हवेली दा राह पुछना। ए नहीं हो सकता इसलिए के साडे कोल एक लख विच रहण ते तेरे कोल एक लख नहीं एनू ते तू कफन भी कर्जे दा लेके पाएगा आटा कर्जा कौन लाएगा। ओए नजरिया दिलावर खान दा पोतरा सिर दे पावी मिलदा ते लै जांदा लख रुपए दी है थैली ते चार किले जमीन बेच के लै लई दी है। नजरिया जे तन्नू पैसों दी बहुती लोड़ है ते फिर मेरे बूहे ते आ जाई ज़कात दे खाते च बड़े पैसे जमा ने। तू कौन है चौधरी? मैनू पिछाणन लई तुहानू वेले नू खिच के 20 साल पिछे अपनी हवेली दी उस छत थले जाना पवेगा। जगीरदार साहब जिस छत थले खलो के मैं अपनी तीली तुहाडे कोलो 10,000 मंगिया सी ते तुसी मैनू 20,000 रुपया दिता सी। साडा एहसान लान की बजाय तेनू रब तौफीक देवे कि किसे होर ते एहसान कर देने एहसान लान का इस तो अच्छा होर कोई तरीका नहीं। ऐले दीरा जिस तरह पैसे दे के भुल जान आती हैं तू भी भुल जाई। लिखते हुए पैसे ते भुल सकना पर तुहानू तुहानू कभी नहीं भुल सकता कभी नहीं भुल सकता चौधरी साहब रब राखा। शर्फू तू? आहो जगीरदार जी मैं उदों दा हर रोज धी दा रिश्ता मंगन वालिया नू यकीन दवांदा रहा वा कि मेरी धी दिलावर खां दी नूं है। पिंड दा हर बंदा मन्निया पर कालू जट अज भी नहीं मनदा। ओए जिहड़ा पोतरा वाह दी धमक नाल डोल जांदा है ओ काले तूफान अगे किवें खलोवेगा। मान करना मेरा हक सी नजरिया ते मान रखना एदा फर्ज है। फिक्र ना कर चौधरी आओ चलिए। आओ जगीरदार जी। ओए बुढ़िया मैं ते तेनू सिर्फ पिंड ते चौक च बेइज्जत कीता है ते हुण तेनू तेरा पोतरा पिंड पिंड च बेइज्जत करवाएगा। तेनू मैं अपनी हाजमी से
ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਪਾ ਜਾਣੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਏ, ਚਲਾ ਨਾ ਚਲੀ। ਕੀ ਹੋਏ ਸਾਵ ਲੱਗਣਾ? ਇਹ ਗੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। तेरे सामने वो दिलावर खान खलोता है जिदी दिती हुई बीक के बदले तेरी इज्जत बची सी। ये अजीम औरत है जिदी अजमत तेरे प्यू के सिर तो भी उची है। यह दिलावर खान की नूह ही नहीं, तेरी सच भी है। जिनी वरी ए सामने उच्चा बोली है उन्नी वरी ए पैरों से सिर रखेगी ते मेरा मान रवेगा। मैं सिर ला के पैर च रख देनी आपा। मां जी, मैं तुम बड़े साल उड़ीक रही सा, मैं माफ कर दे। तुम तेरी जरूरत शोखी चंगी लगी है। मैंने भी चंगी लगी थी। तू चुप कर वे, साढ़े खानदान में नीवा सिर दुश्मन न लावे तो असं आप ला दें। दादा जी, मैं माफ कर दो, मेरे को भूल हो गई। जीवनी रहती है दादा जी, यह तेरा नौकर है, बड़ा ही बदतमीज है। ना सोनिए, यह तेरा मंगेतर है। ए, ए, मेरा मंगेतर है। हुण कर लो गल। ये एहो जवान है जिदा ना सुन के कानू जा तेनू पहन करेगा। एहो बहार है जिदी चोटी तक कोई भी काला तूफान नहीं पहुंच सकता। तू कहना तो मान लेनी अपा, जरा शक्लों चंगा नहीं लगा उन्हें मैदान की कर ले। मेरी गल समझिए, माफ करी सच्ची, मैं सोच नहीं हूं जरा मेरे को राह नहीं ले सकिया उन्हें कल को अपनी मां की में ले लेनी है। सूरज चढ़े ते सिर्फ चानण दिता है, दिए चोटी ते आवे ते सेक देन लगता है। तू उस काले तूफान नु सामने ते आण दे। संदे दे उत्ते संदा, मैं इन्हां दोवां संध्या नूं सिद्धा करन वाला जवान लभदा फिरना वा। सुणिआ इस घर च इक इहो जिहा जवान है जिहड़ा संदे ते हथ रखे ते संदे नूं सा नहीं आंदा। ओए सा बंद करन वाला मदारी है कित्थे? तू हथ चुकन की इंतहा कर दी है। करेरा नहीं मेरा दुश्मन है, मैं समझ गया वा यह चाहता की है कौन। सुनो नादर, यही जुल्म का निशान जरा तेरी इज्जत बयान दे पिंड पिंड फिर के इश्तहार दिता है। ये तू आप ही निबड़ ले दादा, मैं ए दूर ही रगां जिदी छल आसमान तक जाती रही है। तेरा वो खानदान है
जिंदी गैरत के साए थले लख रुपए गैरत की दार होए ने आज तेरी अपनी इज्जत का गाह आया तो तू मेरी पाली के कम करता वे मौत दो दफा नहीं आती दे गया जा जाके मर जा ते फिर तुसी सारे रल के मर जाओ मैं हले नहीं मरना हां दूर फिरे मुत्ते भाई ऐसा कसूर नहीं जदों मैं जम्मिया सा ते मेरे खौफ तो मेरा प्यो ही मर गया सी पर अज दे जवान नू वेख के जे तेरा पुत्र हाले भी जिंदा है ते फिर यकीन कर ले तेरा खून बहुत ही कर ठंडा हो जाएगा पर हौली 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 दिलावर खान तेरी छत हेठ हमेशा ओ बाल जमे ने जिन्ना दे खौफ तो मफलूरा ने भी पनाह मंगी है पर जे मैनू पता हुंदा तेरे पोतरे दी रगाई च गैरत आली कोई रग नहीं रही ते मैं कदों दा धी दा गला कुट दिता हुंदा नी गैरत तो चिड़ के कदी कदी बहरत भी छिटे हो जाने इस तरह असली देखे जिदी इतनी रागी की गैरत ने साडा राह मैं गलत नहीं सी देखिया ये सूरता ही दासी है सन ऐ तोला कुछ दिला दा जानो जरा बेहरत अपनी इज्जत ही हद नहीं कर सकता मैं अभी डोली किले बह सकनी हूँ चल वे तेरे के लाके में आग चल रही जब तू मेरी जिद न होती रब दी सौ बुद्ध टब्बर दी थी मैं कभी नाल न ले जा अगे लग याद रखी पिंड पिंड घूम के कालू दे घर पहुंचे वाली राणो नू लोगों ने शर्फ भी पी गई दिलावर खां दी नू कह के मुंह में नू मिला पा लेनी माजी माजी मैं दादा जी को बचा लो बेहता राणो दा प्यो तेनू पहाड़ समझे ते तू कालू दे राह दा रोड़ा भी नहीं बन सकिया वे तेरे जैसे बेगैरत मेरे घर जमिया की ले ओए फाश तू मेरी हवेली दा कुत्ता हुंदा कालू नू वड ना भी सकदा ते भौंक के लगा वे ना मुरादा सानू ते जिंदी जाने मारी चुकिया है आदमी किसे कोई ख्याल मारते मर जा मैं लोगों को कह दे सका जे नादर जूदा होता तो कालू की कब्र तेरे पैरों में सोते वाकई तू है ओए थल्ले पे आओ ओए कितने ख्वाब ते नहीं हाले तू अपने आप नु चक मार रहा है थोड़ी देर बाद तेरी लाश नु कुत्ते चक मारेंगे
तेनू ते वेखण नू जी नहीं करता, मैं तेरे नाल लड़ किवें पव। ओए जिन्नू वेखण नू तेरा जी नहीं कर रहा ओनू तू टिकन तो बाद ए पैर देनी कालू। एक हथ विच अपनी जबान ते दूजे हथ नाल अपनी मंग नू फड़ के अगे वध दोए। ओए जिस नादर दी तू गल कर रहा कालू ओनू मैं मां दे पैरे दफन करके आया वा। ओन तेरे सामने गैरत दो तूफान खलोता है जिन्हों टाल ले तेरे जे लखा तूफान नहीं कटने। Thank you.
ਪਈਆਂ ਵੇ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਵੇ मैं पूछना तू कौन है ओए जो समझ लवे ओही बन जावांगा मैं सोच के इत्थे आया कि इत्थे मैनू मेरी हवेली का मालक ते मेरा यार मिलेगा ओए जे यार दी आस ते इत्थे आया ना ते मैनू भी अपना यार समझ पर तू एडा घबराया क्यों है पुलिस मेरे पीछे लगी है बचा ले गल ही कोई नहीं तू इत्थे लुक जा हुण तेरा प्यो भी तन लैण आएगा ना ते नहीं जान देंगा ठीक है चाचा जी मफरूर तो नहीं आया ओए मफरूर ते की इत्थे मफरूर का प्यो भी नहीं आ सकता मेरा भी यही ख्याल है कि आसमानों टिक के खजूर इतनी अटक सकता आओ मेरे नाल चाचा जी मैं बाहर आ जाऊं आ जा बाहर तुसी ते कमाल ही कर दिता चाचा जी मैं किस मुंह नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करा ओए शुक्रिया अदा करन दी कोई लोड़ नहीं कोई और काम है ते दस मैं तुहाडा एहसान जिंदगी विच लावांगा जरूर अपना नाम ते दसो ओए जे तू मैनू यार कहया ना ते फिर समझ जा कि मेरा नाम यार बाश है जे को और काम है ते दस कोई दुश्मनी है किसे नाल तो भी दस दे ओदा मुद्दा तेरे घर तोड़ देंगे बाकी सब अल्लाह खैर खैर ही खैर अब कम एक निका जिहा दुश्मन ते एक निकी जी दुश्मनी है ओए मार दिया उन्होंने नहीं 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 दोस्ता नहीं उन्हां दोवां नाल ते मैं आप निपट लगा ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈਏ ਓਏ ਵਕਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਟਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਿੱਚ ਇੰਤਕਾਮ ਵੇਖ ओए जिने तेनु उच्चा बोलना सिखाया उन्हें तेनु ए क्यों नहीं दस्या के खोते नु शेर दी खल पै भी जाए ओ खोते दा खोते ही रहंदा ओए कर खोते दी नहीं आगे मर के कुत्तियां दिए जिहड़े 20 साल तक मैनु फड़दे ते मेरी मां नु पाउंदे रहंदे अपना कफन ते ओ जाली कागज लब ले नजरिया जेड़े तू मेरी मां नु दिखा के साडी जगीर खोई सी तैनू ओ जुलम भुल गए उनके नजरिया पर मैनू अपनी मां दा एक एक जख्म याद है अज मैं अपनी मां दी उजड़ी हुई जन्नत ते उस जगीर दा हिसाब लेके जावांगा ओए ते फेर अज साहब असीं तैनू सिर उतारांगे फड़ना लो Thank you.
फसा है। आज तुसी जगीर दे कावल दोगे या अपनी चमड़ी लोगे। फसा है। रुक जा नागर। हर जगीर के कागज तेरा नु माफ कर दे। ए तोहफे साम के रखे आको और मैं भी इन्हां नु ओना ही तड़फावांगा जिन्ना इन्हां ने मैनू तड़फाया सी। जगीर के कागजात ते मैं लै लिते ने ते हुण बाकी रह गया हवेली ते ओ भी मैं उस बदमाश को खो लवांगा। सुल्तान जिन्ने दिन इस हवेली की छत थले बैठा है उन्नी वारी मेरे पैरी पै के इस जगह चो बाहर निकल जा। इसलिए के हवेली मेरे प्यो दिए अल्लाह खैर। मैं हमेशा बगानिया हवेलियां च रहन दा आदी ते जड़ा मेरे कोलों व्यू दी विरासत वापस मंगे ओदे कोलों दा प्यो वी खो लेनवा। ते मैं ओदे बदमाश दा प्यो ही नहीं पुश्ता तक मार देना वा। छड़े मां मैनू जिंदा नहीं छड़ांगा नहीं छड़ांगा। मां हां वे इसलिए कुछ ना कमी कि बंदूक तू ऐसे ते चुकी है ते साल मेरे रुके दे इन्हें मेरा दूसरा पुत्र ते अपना वीर समझ के छड़ते पुत्रा समझ ली है। हवेली तेरे पिछड़े वीर ते नामे लग गई मां। हाँ पुत्रा चल चल मेरे नाल। कल नु सुला दा फुल ना समझी जद भी आवाज मारेंगी तेरे हिस्से दी गोली खाना जावा। शुक्र है जिस फुल नु मैं पसंद करना वा ओदे नाल कोई कंडा भी नजर जाए जाके ओदे प्यो नु दस दे के कालू कल तूफान वांगू जंज लेके पहुंच रहा ते दाज विच रानी दे मंगेतर दा सिर मंगदा है। जा ओ राज कालू दी ऐसी दी तैसी ओने मेरा सिर मंगया है ते मैं भी ओदे सिर दे सौ टोटे करके आवांगा। चल मेरे नाल। रुक जा नादे। नहीं दादा मैनू ना रोकी ओने दाज सिर मंगया है ते मैं भी ओनू सिर भेजांगा। नहीं पुत्र नहीं। जा कालू नू कह दे असीं ओदा पैगाम सुन लिया। ठीक है चौधरी साहब। दादा जे ओदा पैगाम सुन लेता है ते फेर ओनू इस पैगाम दा जवाब भी मिलना चाहिदा सी। एदा सिर्फ एक जवाब है पुत्रा असीं ये जागीर छड़ के टुर जावांगे। नहीं दादा मैं पुलदली ते बेगैरती दी जिंदगी छड़ चुका वां। बेजून जो क्या दुश्मन नू माफ कर देना रब ते रसूल दा हुक्म है ते मेरी सोई मैं जो कहनी हां ओ कर। ठीक है मां पर तू मेरे पैरें च ममता दी बेड़ियां पाके चंगा नहीं कीता। फिर बल्दी आके छाल मारन आ गए हो। जेड़ा दरवाजे ते आ जाए ओदी गल जरा नीवी पाके सुनी थी पुत्रा। तू मेरे पुत्र नु फट लाए मैनू तक्के मारे मेरा इत्थे आना बनदा ते नहीं सी पर तू ऐसे थां ते खलो के दावा कीता सी
कि हूं सारी जागीर तेरी पाबंद है। जे इजाजत हो हाकिम ने एक सवाल करा। जे इतने आई गई है तो फिर सवाल सवाली बन के नहीं मां बन के कर। जे मां की आई तो फिर मां का दुख भी सुन ले पुत्र वे। जिस हवेली तू बैठे यह हवेली मेरे दो पुत्रा की है, एक मेरे कोल है तो दूजे नु लभ रही हूं। समझ ले कि दूजा तेरे सामने खलोता है, पर तेरा पुत्र तेरे नाल जायदाद नहीं सिर्फ तेरे दुख मनाएगा। तो फिर साडा पहला दुख ये वे कि मेरे पोतरे दे कुछ दुश्मन तेरे सज्जन ने जिन्हां दा नाम नजरा ते हाकू है ते तीजे दा नाम कालू है। वो मेरे पुत्र दी मंग नु जबरदस्ती ब्याहना चाहुंदा है ते दाज विच मेरे पुत्र दा सिर मंगदा है। अज तक नजरा ते हाकू तुहाडे वल मेरी नजर नाल नहीं वेखणगे। बाकी रह गया कालू ते जाके अपनी नूह नूं इह कह दे मां कि अपनियां सहेलियां चलान कर देवे कि उहदा प्यार सुल्तान दी। चीची दिया छलिया जावे वलिया जानती मैं माही ने सुखा के तेनु कलिया। ये दाई सुतान छला बस किथो आया नी तेरी दस एनु कलर वाले की सखाया नी आए की सखाया नी दस की सखाया नी। पीर कर दादवी चैन लेन ना देवी
ਫੇਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਤ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਤ ਦੀ ਛਾਂ ਛੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਚੀਚੀ ਦੇ ਛੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਵੱਲਿਆ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਏਡਾ ਇਸ਼ਤਾਰ ਛੱਲਾ ਬਸ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਨੀ ਚੈਨ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਪੀਰ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਚੈਨ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਮਾਵੇਂ ਪਿਆ ਛੱਲਿਆ ਚੀਚੀ ਦਿਆ ਛੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਵੱਲਿਆ ਜਾਣ ਗਈ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੁਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਿਆ ਯਾਰਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਓਏ ਯਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜੀ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਡਾ ਨਾਦਰ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਏ ਮੈਦਾਨ ਚ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੀਰਾ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਓਏ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜੰਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਬਲਾ ਵਾਂ ਬਲਾ ਤੇ ਬਲਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਪੈਣਾ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ
ਤੇਨ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਾ ਵੀਰਾ, ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜਦਾ ਵਾਪਸ ਆ, ਚੱਲ ਜੇ ਕੇ ਬੁਧਣ ਜੰਗ ਚੜੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਓਏ ਹੱਟ ਕੇ ਬੁਧਣ, ਹੱਟ ਕੇ ਬੁਧਣ ਜੰਗ ਚੜੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਚੁੱਕ ਪੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਅੱਜ ਫੜਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਮੁਦਿਆਰ ਦੀ, ਹੱਟ ਕੇ ਬੁਧਣ ਜੰਗ ਚੜੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਓਏ ਹੱਟ ਕੇ ਬੁਧਣ। Thank you.
गल्ला आए ओए सोरा ते मेरे घर इस लाइन च दे गया सी जीवे ओदे पिंड दी हद ते पैर रखांगा ते किसे तोप दे मुंह विच जा डिगांगा जे पता होंदा के सामने देख दे उस चौवल ने आना सी जिनू मैं चख चुकिया वा ते मैं अपने किसे कमी नू भेज के कुड़ी मंगा लेना ओए कमी ते की अज मैं तन सारे नू इस हद ते दब के जावांगा ओए इन्ने बंदे ते हाथ चुक के बद्दुआ दे ते बंदा मर जांदा है ते तू इन्ने बंदियां दे सामने एडो वड्डा दावा की सोच के कर रहे ओए सिर्फ अक चुकी ते तेरे बंदे मर जांगे कालू हाथ चुकांगा ते तू मर जाएगा हाले भी वेलाई समझ जाओ समझ जा सुनो ओ संडे दी वाग फड़ ले ते संडे दे पैर फड़ ले इस मैदान विच किसे ने बेबे बन के गोली नहीं उखाड़ी तेरी भी झाड़ लैंदा कालू मैं तेरी इस भैन की जंज लैके तेरे बुए को जरूर लंघांगा नहीं ओए तुसी पासे होके तेल वेखो ते तेल दी तार वेखो लो तेल वेखो तेल दी तार वेखो नहीं लगता लड़ाई दुबई च होन लगी कालू ते बांदर चढ़ मैं कालू हूं करती की पई है पुलिस वाले आ गए निकल चल मैं तो फांसी जैसे कोई जनी पा गए ओए मैं कुड़ी लेके जानी हो दादे दा बुआ मल के बैठी ओए मेरे दादे नु सत्ते खरा ने मैं तेरे प्यो दा पैरा देंगा ओ देख लांगा तेरी खैर नो अल्लाह खैर ठंड पा दी खुशी की खबर मैं सारे जग नु सुनावांगी प्यार भी अजीब शहर है जिसे गल पै जाए पागल ही कर देता Thank you.
संडा मेरे थले संडा संडे उत्ते संडा और तू की अब संडे का सैंडविच एक मिनट खलो जा आजा
आ जा तेन भाई जाना मिलावा आ जा आ जा आ जा भाई यकी ऐ वेख ओए मैं खोता मेरे नाल खोता खोते दे सामने खोता हुण दस ओए रवेंगा मेरे सामने खलोता ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੰਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਓ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕਾਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ अजय पता नहीं किसे सुनाया किसे नहीं सुनाया मैं तो कहना इसकी पीजा इसका नाम काला तूफान है पता नहीं अजय ने किथे जाके बसना मैं संडा मेरे थल्ले संडा और मैं ते समझदा सा मैनू असले दी पंद भेजण वाला तेरा पोतरा जदों मेरे सामने आएगा ते मैनू औखे सह आणगे उहदे सेक नाल मैं सड़ जावांगा अद्धा संडे उत्ते रह जावांगा ते अद्धा जमीन विच वड़ जावांगा पर ओ ते मेरे पैरां विच इंज डिग्गिया जिवें पक्का पेर डिगदा है ਉਸਰਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲਾ ਜਿਹੀ ਸੱਤ ਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਤੇ ਬੇ ਦੇ ਬਸ ਤੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਗ ਚ ਮੰਜੇ ਡਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾੜਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ओए मैनू ते हाली तक ये यकीन भी नहीं आया कि मेरा पोतरा पीछे रह गया है जिस खानदान नु नेवी पाके टक्कन दी आदत न होवे ओ बैठ गया नहीं सकता ओए मैं तेरा ओ हशर करांगा बुढ़िया कि उन्हां दे सिर भी चुक जाएंगे जिन्हां ने हाले तेरे घर च जमना है खायो बुढ़िया मरिया नहीं अशरफू ਇਹ ਨਿਉਂਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਪੈਸੇ ਚ ਖੇਪ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਏ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸੋਗੇ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਪਰ ਕਾਲੂ ਜਾਂ ਕਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਇਆ
कालू दे अगे लग के दौड़न वाले ते मैं लखां वेखे ने, पर कालू दे पिछे आन वाला मैं पहली बार तकिया है। किस बदबख्त मां दा पुत्तर है वे? मैं ओ माई जिदा ना लेके तेरे वर्गियां मामा रोण वाले बालां नूं चुप करांदियां ने। जदों तू भी अपने पुत्र नूं सामने लैके आवेगी ते तैनूं भी चुप कराण वाला पुत्र कोई मां नहीं जम्मेगी। मैं ते कालू दा नां लैके पार ते पैर रखा ते ओह भी नीवा हो जांदा है। तू कालू दी मां दे सामने उच्चा बोलन दी जुरत किने कीती है? एहो जिहा जवान ते सिर्फ एक नसल च ही पैदा हो सकता है। तू किधरे टोली टोरन वाले दा पोतरा ते नहीं? ना ते अपने प्यो दा मैनू भी याद नहीं माई, पर एक बारी जिदी छाती ते मुंग तल दिया आदि नसल दा बच्चा बच्चा मन जांदा है ते मेरे जे पुत्र मावा कदी कदी जमदियां ने। जा टुर जावे जे जबान ते पैर लैके जमन वाली दे घर तक पहुंच जावे ते मन लवी के कालू हराम दस। मैं अपने बाबे दी पग दा हिसाब लैणा ही माई, एक गल मेरी याद रखी, मैं पग दे बदले पग नहीं कालू दे प्यो दा सिर लैणा। तेरा हर नवा सवाल सुन के मेरे सबर दा पैमाना टुटण ते आ गए मुंडिया, जा टुर जा इथों। कालू दे प्यो नूं ते तकदीर ने मारिया सी ते तैनू कालू ने मार देना ही। तेरा पुत्र आवे तेनू अपना नंगा सिर विखा के ए दस देवी माई कि मैं अपने बाबे दी पग दे बदले तेरे सिर दी चादर ले चलिया। दुश्मना अल्लाह खैर, तू सिर्फ कालू दी मां दी चादर नहीं लाई, एक गैरतमंद दी गैरत दा ओ निशान लाया जिन्हों वापस करन लगे तेरे पैर फिर तेरे पैर। जदों मैं चादर लैण आएंगी कुड़िए ते अपनी अखां नाल वेख लवी मैं अपने बाबे दा नंगा सिर किन्नियां सिरां नाल कचांगा। फिर चुप के रख दिए ए मैदान जगा ते युद्ध वेखन वास्ते मैं आप जावांगी। नहीं चुप सकदा ते जबान ते खोल दादा, मैं टेक के उठ पिया वा, तू सिर नंगा करवा के सिर क्यों नहीं चुक सकता? बोलते ही पग किस मजबूत ने लाई है, मैं वही पग ओदे गले च पा के ओदा कफन बना देगा। दादर पिछे ना चाहिए आए, जे पग दे बदले उदी मां दी चतर ले आया वा ते फिर सिर नंगा करन दे बदले उदा सिर भी ले आवांगा। सिर कज ला दादा, तेरा सिर नंगा वेख के मेरी गैर बर्दाश्त नहीं भी कर दी। बेटा ये दस तू चादर किस हाथ ना लाई थी? मैंने जिस हाथ नाल भी लाई है दादा, वो हाथ में हाथ ऐसे लेके ऐलान कर रहा वा ये मेरा वीर नहीं ते वीर तो कट भी नहीं। तेरा ये वीर मेरी इज्जत का सब तो बड़ा बैरी है, मैंने ये कुलों पूछ ने चादर किस हाथ नाल लाई है? मैं ये वो हाथ बाहां तो लाके चादर आली के पैर से रखना चाहता। जे और कुछ देर चुप रहा इस जुर्म बीच मैं इतना दो ही बाहां ला गया। दादा जे चादर आली दे पुत्र दा खौफ तन हुए चादर से तनी लैन देता ते फिर मैं उदा सिर लिया के ओदे नाल तेरा सिर कचांगा। नहीं हो मुंडिया,
कजन की रीत साढ़े दुध पीते बाला ने कायम रखी है, पर किसी का सिर नंगा करन दा गुनाह असी अगले जहान भी नहीं करन देंगे। असी बेघर होए हैं पर बेगैरत नहीं होए, ते इंसाफ ते जुल्म तोड़न वाले दे दादे बन जाइए। हाथ अगे करो मुंडिया, असी इंसाफ ध्यान रखने की कसम खा ली। की करन लगे बाबा, तेने जो कुछ भी किया तेरी इज्जत बचाने किया। जे साड़ी इनी इज्जत करता है साबरा, तेन दस दे सानू चादर नहीं, चादर लाने वाली बात चलती। असी तेरा मान इसलिए नहीं तोड़ांगे दादा, जैसी तेरे कुछ नहीं लगते। उधार लैके अगा वध, अपने इंसाफ नू पूरा करन एक बार ला दे। दूजी बात तेन इसलिए नहीं लाल देंगा कि वो मैं इंतकाम लेना। फैसला बचा के रखी चाचा, इसलिए तेन मेरी चादर लाने वाली बाह चाहिए, ते मैनू तेरी पग लाने वाले हाथ चाहिए। पग ते कालू जट ने लाई है। वो मेरा पुत्र है, ते मेरा सिर नंगा करना तेरे इंसाफ या नजर च जुर्म है, ते फिर तेरा सिर नंगा करना भी मेरी नजर च उस तो बड़ा जुर्म है। मेरी चादर सुल्तान की बात तू ले जा, ते अपनी पागित कालू जट के हाथ मैनू दे दे, फिर मैनू यकीन आ जाएगा कि तू वाकई इंसाफ किया है। असी कालू जट नू माफ करने का हक रखते हैं। मैं अपना सिर नंगा करने वाले नू माफ करने का ऐलान करनी हूं। असी भी सुल्तान नू माफ करते हैं, पर मैं तीन साल बाद तेरी धी बन के तेरे घर आई हूं चाचा, ते तिया नू खाली हाथ नहीं टोरीदा। पूछ तो सही मैनू की चाहिए। जेवर तो ला के साड़ी जिंदगी तक जो चाहेंगी मिलेगा, ते फिर मैनू ए दी दे दे। दिलावर खान की धी तो कालू जट की मां बन गई है, नुआ खिराक नहीं मिलदियां, उन्हां लई जीदार ते गैरतमंद पुत्र जमने पैंदे ने। सवाल मैं चाचे ते कीता है, ते जवाब भी मैनू ओदा ही चाहिदा है। असी खाली हाथ दरवाजे तो किसे नू नहीं जान दिता, तू ते साडे इंसाफ दा इश्तिहार है, जा ले जा। दिलावर खान, ऐ मेरी धी बकरी अगा नहीं, कदी इस किले ते कदी उस किले। तू सानू धी दे चुके हैं शर्फू, हुणे साडी मर्जी है पोतरे नू देईए या अपनी धी का मान रखिए। दादा राणा मेरी इज्जत है, नहीं होए नादिर। साडी धी तेरे कोलों बद इज्जतदार है, धीए राणा नू लै जा। हुणे मेरी धी है चाचा, ते ऐ धी मैं तेरे इस पोतरे नू देनी हां, डोली सोहरे तोरन की रस्म 20 साल पहले मैं तेरे को सीख चुकी हूं। आ तीए मेरी गल सुन ला माई, जे तेरे रस्ते कोई कंध आई और मैं आप टालांगा, बाकी अल्लाह है।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਓ। ਕਿਧਰੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿਦਾ ਪਿਊਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਚੋਵੇ, ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਚੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਕੌੜਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਗ ਚੀਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਥੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣਾ ਹੱਕੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਚਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਓਏ, ਇਹ ਖੂਹ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਇਸ ਖੂਹ ਚ ਟਿੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਓਏ ਟਾਈਮ ਦੀਨਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਲੋਹਰਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਅੱਖ ਪਿੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਓਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਗੀ ਅੱਖ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਓਏ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨੌ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਤ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ, ਜਿਸ ਸਵੇਲੇ ਦੀ ਛਾਤੇੜ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਉਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ
तेरा सक्का दादा है। ऐ किसे रे अबा? पुत्रा, मैं ठीक के और दुश्मन मेरे पीछे आ रहे ने, उन्होंने मुका लवे तो दे दे दुख भी पूछ रही तो दे दे दुख दुखते बाद च पुछांगा बा, पर पहलो मैं तेरा इंतकाम लवांगा, तेरा इंतकाम लवांगा बा। तू अपना पुत्र से पुत्र लिया, पर मैं अपना प्यार नहीं बदलांगा, नहीं बदलांगा बा। गुस्से नाल नहीं, प्यार नाल देख लाला, मैं तेरा सक्का वीर ना तेरा। तू ते दुश्मन बन के भी मेरे कई पारों नू मोड़ा देता है, आज ते एक पार कल्या मैंने भी चुक लें दे सुल्तान। नहीं नादर, नहीं 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 ओए तू, आओ मैं सुल्तान की सही मैनू भी सुल्तान ही समझ आए। आज ते फिर आज असी दिलावर खान दी नस्ल दा कब्रिस्तान क्या की जाना है? ये वक्त दसेगा कैसे कब्रिस्तान कौन बनाना है। आओ तो पहली कब्र तेरी होगी। तो ये साड़ा कुछ नहीं लगता, और तेरा कुछ लगता जाए, ऐनो एक ना लाता पहला, और मैं तो ये गलत टिके पियूंगा, हिसाब जरूर लेना जाए, हिसाब के तेरे ये उजाड़ जाएंगे, कि तावा तावा कर उठेगा, बोलो इन्हों। मुजरत नहीं हो रही, लड़ाई हो रही, ये ना तो जाती मामला तेरे दफल देने की लोड़ नहीं। ऐ की नहीं हो सकते, यार ना यारी पक्की करन दा अच्छा मौका और कहड़ा मिलेगा। आ गम इन्हां नूं पैचेगी ना, ये तू आपे ही काम कर, मेरे हाथ जे पादरी है, मेरी ये पादरी को आके मेरा रिस्क मरवाने कामी की चाहिए केड़ी मर्जी दे दी। मेरा ख्याल है करेले गोश्त ही पकाओ। ठीक है जी। ते चटनी मूली दिखाओ। अरे तमाशा देख रही?
लाशा पिंड की अज चो बाहर जाके सुट दो, बाकी के जगीर की अज तो बाद आके मैं आप मार जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है जी, लाशा इतने पड़िया नहीं है तो पो पै जाएगी, इतने हैगा फैल जाएगा। हूं तो एक ना लग जा। नहीं नादर, पहलो मां को तेरे को माफी मांगन दे, जिन्होंने पेश करके रेली चुप गया। तो फिर चल मेरे नाल, मैं तेन मां के दादे नाल मिलाना। शुक्र है ए भी बंदे का पुत्र बने है। वास मैं कर दे। दादा किते पानी कट्ठे किवें हो गए थी। ए तेरा सक्का पोतरा ते मेरा सक्का भरा है दादा। मेरा पोतरा मेरा पुत्र। तू सदाव सोचता जाता था तो मैं सिर सुट के सुनता तो सहता जावगा। सिर सुट के मां दसी ने ठंड पा दी पुत्र। तू तो पहली मां ने मान रखे ने, इतना थोड़ा कि बिछड़ी आया मिल गया। पुत्रा इना दुख सारी जागीर दे जान दा नहीं होया, जिंदी खुशी तेन मिल पैण दी हुई है। दादा ओ बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला अखा बचावा सिर ते बिठावा के फुल अज पहली बार मां लगी है तू मैनू मां। तू अपने पुत्र की जिद आप लेके आई है, मैनू इंज लगा जिवें जिवें तू पुत्र नू मना आई है। सारी जिंदगी ते बद्दुआवां देंदी रही है तू मैनू, जाज पुत्र तेरे ते मक्के तक राजी। तैनू मैं अपनी धी बना के ले आई हां कालू, चल नी कुड़ी अंदर। आहो आहो
लू ती आंदी है पर तेरे लिए पुत्र लिए तो बीवी आंदी है। सुन कालू ऐसी मैं चौधरी दिलावर दे पोतरे नु दे आई हां मैं पोतरा मार के खोल देनी हूं मां एदे पहरे से पोतरा नहीं मां ही कालू एदे पहरे से मां दे नाल प्यो भी होया ते दोनों मार देगा कालू मां कहन वाले एडे बदतमीज ते कमजात नहीं होते जे मैं तेन लोग तिया दे के बाह मन ते मैं बेहुरा चंगी निकल जा मेरे घरों बाहर तू मैनु इस घरों ते बाहर कट सकनी है मां पर इस दिल विचों राणी नु बाहर नहीं कट सकनी जी करता है तेरी गिजी कुट के तेन मार सुटा ते तेरी लाश ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਾਲੂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ अपने दो जवान पुत्रा दिया लाशा नाल भेजिया सन एदे नालों ते चंगा सी कमसाता कि तेरी मां उदों चुकी जाती ते चुकी हुई मां दा पुत्र हराम दा भी होंदा ते मैनू कोई ताना ना देंदा ते कोई अफसोस ना होंदा अफसोस ते सिर्फ मैनू इस गल दा है कि तेरी मां इज्जत दी छां थले रही ते तू एक गैरतमंद छत ले पैदा होया फिर बोल वे तेनू एडा बेगैरत किने बनाया बोल वे एडा बेगैरत किने बनाया बोल वे Thank you.
संडा मेरे थले संडा संडा उत्ते संडा दस तैनू किन्ने पुल पा दिती है कि दो विछड़े भरा मिल जान ते दो बावां नूं चार हो जांदियां ने ओए मैं कल्ला भी आंदा ते इस तरह चंचर दा कलू ओए दो ते की दो सौ भी हो जान ते मैं टोली लै जानी है टोली दा मुंह मेरे पिंड वल करो ओए थले ते आ कलू अज मैं तेरे हो जे अशर करांगा अज तो पा तू टोलियां टक्कर दी बजाय टोलियां नूं कंधा दे के तोड़िया करेगा ओए टोली तुहाडे मोटियां ते होवेगी दादा तुहाडा मेरे संडे ते होवेगा ते जुलूस अज पिंड पिंड वेखेगा फड़ लो इन्हां नूं करा या तेरी पोटियां करा चुको एक टोली ते मेरे घर वल चलाओ ओए कोलियां खा के एक छानी ते जरूर आ जाती है पर कंध भरने पे खैर टिकते नहीं गोली चलाओ कालू चला गोली ओए जे इस तरह टिकेगा जिवे रेत की कंध टिकती है पर नहीं तेरे तो पहला मैं अपनी जिद नूं देवा करूंगा नहीं कालू ऐ ना करी कालू पर मेरी रुखसत कीती होई थी बेवा नहीं हो सकती जिद्दी माए मैं तो शुरू तो ही कहंदा रहा मैनू सिर्फ जम्मण आली मार सकती है जम्मण आली पर कुछ देर ते उड़ीक लेंदी तेरे अथरू टके जांदे ऐ देख मेरी बंदूक विच ते गोलियां ही नहीं सन कालू कालू Thank you.
मैं ते इन्हां नूं सिर्फ डरा रहा सा मां। कालू ऐ की कीता ई? जे आंदिया ही सिर नीवा कर लैंदा ते इन्हां ने कहना सी। मैं डर के डोली चुक ली, मैं ते इन्हां दी तौर ते गोडा रख तेरी धी नूं। पैर कहना सी मां, पैर कहना सी। कालू मां सवेर दे पुले नूं ते शाम तक भी करार दी मोहलत होंदी है। मां तू ते सानू दो कड़िया दी मोहलत भी दे दित्ती, हुण किसे नूं भी मोहलत नहीं मिलेगी। तूफान नदों उठा थी जदों तेरी मां दी टोली उठी थी, ते एक काला तूफान आज उठेगा जदों तेरी मां दी थी रुखसत हो रही है। ते दिलावर खान जानदा है जे एक काला तूफान उठिया ते मैदान विच धुएं ते धूड़ तो बाद सिर्फ ताड़ियां लाशां रह जानगियां। ते बड़े एहसान सन ते आज जो असी ला दे। कालू कालू तेरी दुश्मनी दा पार ते चुकी रखे, पर इस एहसान दा पार कीवें चुकांगा कालू। ओए असी ते सिर दे के 20 साल तो मां दा चुकिया होया सिर चुकिया सुल्तान, तो लाशा तेरे दादे ने मेरी मां दी डोली नाल मेरे घर भेजिया सन, ते अज 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 दो लाशा मेरी भैन दी डोली नाल तेरे घर जा रही है।